What is up guys, iPhone 12 Pro unbox करे हमको कुछ ही दिन, पर उसमें कुछ मसाले की कमी थी, जो अलग प्रकार के चार्जर है, केस है और अलग अलग चीजें हैं। ये वाला iPhone 12 है और ये मेरे हिसाब से इस साल का सबसे ज्यादा एक्साइटिंग iPhone है। ऐसा क्यों है ये एक सेकेंड में बताता हूं, पर सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग कर ली जाए, कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत एस्थेटिक रखने की। ये वाला एक स्टैंडर्ड सा कवर है और बैक साइड से देखने में काफी नॉर्मल सा लग रहा होगा, साइड में भी छेद है नॉर्मल, बट अंदर की साइड देखोगे तो एक रिंग सी दिखेगी। ये रिंग बेसिकली चुंबक शक्ति को सलामत रखती है। नए वाले जितने आईफोन है उसमें बैक साइड में ना एक सर्कुलर रिंग है, मैग्नेट है, उससे ऐसी चिपक के चार्जिंग होती है और चिपक के चार्जर ये वाला लगता है। तो इसको भी खोल लेते हैं तेजी से। चार्जर को समझने के लिए ज्यादा पुस्तक है, फोन को समझने के लिए कम। बट है बहुत ही एक सिंपल सा चार्जर और बीच में ना एक सॉफ्ट टच वाला मटेरियल भी है। और चार्जर की प्राइस रखी गई है 4500, एप्पल के प्राइसिंग के हिसाब से मतलब ठीक है, अच्छा है कि बहुत कोई ऐसे अब्रप्ट सी प्राइसिंग नहीं है 10-12 हजार नहीं। बट सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज, लॉकडाउन में सब मोड़े हो रहे हैं बट स्मार्टफोन आजकल डाइटिंग पे जा रहे हैं। ये वाला प्रोडक्ट रेड वाला वेरियंट, और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो लोग भी हल्का सा अलग अलग रेड चमक रहा है, वैसे सीधा देखोगे तो ब्लैक लगेगा, बट हल्का इधर उधर करो तो हल्की सी लाल चमक है। भाई की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, बट व्यूज लपेटना वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको खोल लेते हैं, थोड़ा सा एस्थेटिक रखने की कोशिश करेंगे। हो नहीं पा रहा है हमसे। ये बहुत ही मुश्किल रह जा रहा है। दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है हमारी जॉब छीनने की कोशिश करी जा रही है, यहाँ पे हम अनबॉक्सिंग कर करके वीडियो बनाते हैं। अनबॉक्सिंग के अंदर अब खाली तारे और एक दो पुस्तकें आपको दिखा के बस खुश करना पड़ेगा। एक स्टिकर दे रखा है और एक प्रोडक्ट रेड वाला स्टिकर है। इस वाले का मतलब ये है कि इससे जितना भी पैसा आता है एप्पल सारा डोनेट करता है कैंसर या फिर एड्स के लिए, जो काफी अच्छी सी बात है, काफी इंटरेस्टिंग सा है। एक आखिरी स्टेप और रह गया और मैंने एक बहुत छोटी सी चीज नोटिस करी कि जितनी भी चीजें हैं उसमें प्लास्टिक कम से कम यूज करने की कोशिश करेगी। जैसे ये जो केबल भी थी इसकी भी जो पैकेजिंग है ये भी पूरी पेपर वाली है और इसके ऊपर भी प्लास्टिक नहीं चढ़ाया गया। एप्पल के ना कलर टोन्स काफी हद तक चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा, ये मतलब एकदम चटकदार रेड नहीं है, ये हल्का सा पेल रेड है। अगर इसको एसी से कंपेयर करेंगे ये वाला असली रेड है, ये वाला थोड़ा हल्का रेड है। आप अगर एक्सपेक्ट करो पुराने वाले को इसके साथ में रखोगे तो ऐसे मस्त सेम लगेगा, ऐसा नहीं है, एकदम सीधा था। मेरे को भी ऐसे फर्स्ट ग्लांस पे लगा था कि भाई क्या ऐसे एजेस पतले कर दिए, ज्यादा फर्क नहीं, बट मैंने जब इसको यूज करा ना तो ये किसी भी और फोन से बिल्कुल ही डिफरेंट है और डेफिनेटली काफी डिफरेंट और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको जो आप यूज करोगे। और अगर आप स्पेशली किसी भी पुराने आईफोन से शिफ्ट कर रहे हो तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा आप लोगों के लिए। जो बटन्स भी हैं वो भी मेटालिक ही हैं और बैक साइड में आपको दो कैमरा देखने के लिए मिलते हैं, एक वाइड एंगल और एक प्राइमरी सेंसर, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं, वो थर्ड वाला रहता है, उसकी वैसे भी यूजेज कम रहती है। और कोई लाइडार वाला सेंसर नहीं, उसकी जगह एक फ्लैश दे दिया गया है। और ये वाला जो मटेरियल भी है ये वाला थोड़ा नॉन ग्लॉसी है, और ऑल्दो एक मेटालिक फोन है बट हाथ में पकड़ने में काफी हल्का सा लग रहा है। प्रो यूज कर रहा था उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली बट जो इन हैंड फील है वो काफी हद तक सेम ही है। बैक साइड में ऑफ कोर्स ऐसे उंगलियां मस्त से स्लाइड नहीं कर पा रही। और दोस्तों एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी रह गई, ये वाला आईफोन भी अपने पैरों पे खड़ा होना सीख चुका है। पैसा में डिफरेंस 40,000 रुपए का, बट साइड बाय साइड रखोगे तो दोनों जुड़वा भाई से लगते हैं। ये वाला आईफोन 12 का कवर है, ये वाला पूरा परफेक्ट फिट आ जाता है आईफोन 12 प्रो के अंदर। जितनी भी एक्सेसरीज है वो सारी आप एक दूसरे में यूज कर सकते हो। जो डिस्प्ले है आईफोन 11 में 720p था, काफी लोगों ने मजाक भी उड़ाया था कि 70,000 फोन में 720p डिस्प्ले, बट काफी लोगों ने फिर ले भी लिया था और वो इंप्रूव हो गया। इस वाले में 1080p डिस्प्ले आपको देखने में मिलता है और ऑन पेपर आपको लगेगा कि सेम डिस्प्ले है आईफोन 12 प्रो वाला, बट बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस है। दिखने में आप फर्क नहीं बता पाओगे बट रिस्पॉन्स टाइम में आपको हल्का सा बहुत ही स्लाइट फर्क देखने के लिए मिलेगा। जो मैग्नेट हमको देखने के लिए मिल रहे थे वो चार्जर तो चिपका ही लेगा, उसके साथ साथ सिक्के भी चिपका लेगा, बट ओवरऑल सीधी बात ये कि जितनी भी एक्सेसरीज है वो सारी काम करेंगी। बैटरी की अगर बात करी जाए 2851 mAh बैटरी, 51 जिन लोगों को नहीं पता, 51 क्योंकि मेरे को नहीं पता, 2851 mAh बैटरी है। और ये बैटरी प्रो वाले वेरिएंट से थोड़ी ज्यादा है, प्रो वाले में 2815 mAh है और इसमें 2851 mAh, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है बट हल्का सा इंप्रूवमेंट है। अब एकदम बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन दिमाग में आया, जो आपको ऑलमोस्ट सेम चीज 40,000 के डिफरेंस में देखने के लिए मिल रही है तो महंगी वाली चीज बंदा क्यों लेगा। इस प्रश्न का उत्तर समझाने से पहले हम थोड़ा और अच्छे से बता दें इस फोन के बारे में। ये केस है, ये
वैसी है तो मैग्नेट है, इस पे आप डायरेक्टली चिपका भी सकते हो बिना फोन के भी, बट ऐसा नहीं है कि इसको ये एकदम कम लचीला बना रहा है, फ्लेक्स भी हो पा रहा है और सारी चीजें, तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग सा लगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कोई ऐसे मेटल रिंग लगी हुई जो इसको ऐसे मुड़ने से रोकेगी। और चार्जर भी काफी स्मूथली अटैच रहता है और इसको लगाने के बाद आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, जो अच्छी चीज है। और जितने भी लोग जो गेम खेलते हैं या फिर मूवीज देखते हैं, ऐसे लगा के आप गेम खेल लो मूवीज देख लो, तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। वैसे है तो प्लास्टिक वाला कवर, बट जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना तो एक आवाज सी आती है कि इसने इसको रीड कर लिया है, जो एक छोटा सा टच है बट सही लगा। और किस चीज की टेस्टिंग करी जाए ना करी जाए, आपकी लाइफ में हरियाली हम लाने के लिए फूल पौधे ले आए। मैं फोटोज खींची और जो डिटेल है, जो क्लैरिटी है, जो प्राइमरी कैमरा से आ रही है, जो प्रो वाले मॉडल्स में ऑलमोस्ट सेम ही मेरे को लगी, जो डायनेमिक रेंज भी और जो प्रोसेसिंग में वो काफी सिमिलर लगी। एक दो हम सेल्फी भी लेके देख लेते हैं। फोटोज जैसी आप एक्सपेक्ट करोगे एक फ्लैगशिप आईफोन के साथ वैसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। पुरानी जनरेशन से डिटेल में डेफिनेट एक इम्प्रूवमेंट है और लो लाइट परफॉर्मेंस में वाइड एंगल कैमरे में काफी इम्प्रूवमेंट है। और कैमरे में ओवरऑल अगर इम्प्रूवमेंट का ऐसे परसेंटेज मेरे को देना हो तो 10% के अराउंड में बोल सकता हूँ इम्प्रूवमेंट है। एक वीडियो का सैंपल देना भी बहुत ज्यादा बनता है, तो ये वाला वीडियो का जो सैंपल है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये वाला 60fps पे 4K वाली फुटेज है। आईफोन 12 में एक लिमिटेशन है, आप जो HDR वीडियो है वो खाली 30fps तक के रिकॉर्ड कर सकते हो, तो 4K 60fps अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो HDR में नहीं होगा, 4K 30 तक हो जाएगा, तो 4K 30 हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे इस टाइप के फ्रेम में आप देख सकते हो ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट है, बट ये लाइट को भी कैप्चर कर पा रहा है, उसके साथ साथ जो सामने कैमरा है एकदम ब्लैक कलर का उसको भी कर पा रहा है। परफॉर्मेंस भी एक बार चेक कर ली जाए, कहीं कोई झोल झमेला तो नहीं है, कॉल ऑफ ड्यूटी चला के देखते हैं। ओह, हल्की सी गर्माहट तो आ रही है दोस्तों, गेम अभी तो चालू ही करी है बस। नीचे भी एक स्पीकर ग्रिल है और ये वाली भी स्पीकर ग्रिल डुअल वाला काम कर देती है। पुराने वाले आईफोन ने बस गरारे मारे थे, अब उसकी आवाज काफी अपग्रेड हो गई है, स्लिम ट्रिम भी हो गया थोड़ा सा। एज यूजुअल दोस्तों एकदम फुल सेटिंग पे गेम खेली जाएगी, 2-3 सर लपेटे जाएंगे। क्या निपटाया है, ओ, ओ, ओ। मृत्यु दंड भी ले लिया दोस्तों, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घबराएंगे नहीं। ओहो, कुछ क्षण के लिए हमने खेला, बट एक चीज तो मैं डेफिनेटली बता पाऊंगा, ये काफी गर्म हो गया है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था, और अभी तो दिल्ली में हल्का सा सर्दी वाला मौसम हो रहा है, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ना तो ऐसा है कि बैटरी बहुत ज्यादा लो है या बहुत ज्यादा हाई है, ना मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था, मेरे को हल्का सा वियर्ड लगी ये चीज। इसको भी कोविड के आसार लग रहे हैं, SPO2 चेक कराना पड़ेगा, इतना वार्म हो रहा है कि अनकंफर्टेबल है, बट इतना भी नहीं है कि सिर्फ डर सा लगने लगे, तो बस इस स्केल पे मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, बट इसको ना एक बार ट्राई करेंगे फिर आपको क्लियर पिक्चर देने की कोशिश करते हैं क्या गर्मी का क्या सीन हो रहा है। सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, बट एक क्वेश्चन जो शुरू से दिमाग में है कि सबसे पहली बात तो 40,000 का डिफरेंस क्यों है इन दोनों में, और ऐसा क्या झोल हो रहा है जिसकी वजह से इतना सस्ता मिल रहा है। तो इसके दो काफी बड़े मेजर रीजन है। सबसे बड़ा डिफरेंस, जब आईफोन 12 प्रो बन रहा था, एप्पल को लगा उसके अंदर 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले डाल दिया जाएगा, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है और जितनी भी चीजें लगी है स्क्रीन भी जो है वो केपेबल है 120 हर्ट्ज को दिखाने के लिए, बट बैटरी पे काफी ज्यादा बुरा असर आ जाता, इसलिए हो सकता है कि ये काफी लास्ट मोमेंट डिसीजन रहा हो 120 हर्ट्ज इस वाले स्मार्टफोन से हटाने का। ये ऐसा काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, जो मेरे को भी काफी हद तक लग रहा है हो सकता है, और उसकी वजह से प्राइसिंग में अगर इसमें 120 हर्ट्ज होता और तब इसका 40,000 एक्स्ट्रा होता तब सेंस बनता था, क्योंकि काफी एक बड़ा डिफरेंस है, बट अभी तो नहीं है। और सेकेंड मेरे हिसाब से जो प्राइमरी रीजन है, देखो दोस्तों समझ लो आपका सब्जियों का ठेला है, अगर केले सबसे ज्यादा बिकते तो आप ज्यादा केले पे फोकस करोगे, बेस्ट क्वालिटी के केले लाओगे। सेम आईफोन के साथ भी है, ये वाला आईफोन सबसे ज्यादा बिक रहा था, एप्पल वालों का इसी में सारी चीजें सब भरपूर चीजें इसके अंदर डाल दी जाए, फिर इसी को सबसे तगड़ा बनाया जाए। आईफोन 11 से आईफोन 12 में जो अपग्रेड है वो काफी मेजर है, बट सेम चीज अगर आप नोटिस करोगे प्रो वाले वेरिएंट्स में बहुत ही माइन्यूट से अपग्रेड है, और इसका मेन रीजन ये है ये सबसे ज्यादा बिक रहा था, और पैसा कमाने की सबसे ज्यादा बेस्ट टैक्टिक यही रहती है, जो बिक रहा है उसी में सबसे मस्त चीजें डाली चाहे। और ये मेरे हिसाब से काफी सही भी है, क्योंकि इस साल की आईफोन 12 के जो प्री ऑर्डर्स हैं वो आईफोन 11 से भी ज्यादा है, और ये टैक्टिक काम होती हुई भी दिख रही है, और इंडिया में भी अगर आप हाइप चेक करोगे तो इस वाले आईफोन का ही सबसे ज्यादा है।
टाइम पे इंडिया में इसका प्राइस 80,000 के हिसाब से है, और इस प्राइस पॉइंट के लिए भी मैं बोलूंगा कि काफी तगड़ा स्मार्टफोन है। बट इसका जो ओरिजिनल प्राइस है, अगर उस सेम प्राइस पे इंडिया में आता तो बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्टिव स्मार्टफोन होता। और पैसे ऐसे के बारे में खूब रैंट कर चुके हैं, किडनी पे खूब जोक मार लिए, बट सीधी बात है कि काफी इंप्रेसिव फोन है और पुराने वाले वर्जन से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, और अभी तक के जितने भी आईफोन्स आए उनसे तो डेफिनेट एक अपग्रेड है, और अभी तक का बेस्ट आईफोन तो इसको डेफिनेटली बोला जा सकता है। और इसके ऊपर हम अच्छे से टेस्टिंग जरूर करेंगे। कुछ लीक्स बता रहे कि भाई इंडिया में बनने लगेगा जनवरी फरवरी से, बट किसको क्या पता कि कब सस्ता होगा क्या होगा। अभी के लिए जो है वो हमने सामने बता दिया है। एप्पल थोड़े ऑफर ले दिवाली वाली वाले या कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स एक्स्ट्रा दे दे या कुछ कर दे जैसे फ्रांस फ्रांस मोर और मजा आए। बट इतने थे इस वाली वीडियो के लिए, आप अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय बाय।